हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार आदाब, के एम छो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको कार के सेगमेंट में भी लेके आ चुका हूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ वेलोसिटी ऑटो कंसल्टेंट्स में। तो ये आपको पड़ती है, जैसे एरिया आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको पड़ती है अल बुर्ज और ये आता है सरखेज हाईवे पर, और वहाँ से अब अगर आप आते हैं तो आपको पड़ता है एसआर का पेट्रोल पम्प, और इसको जो रोड बोलते हैं 132 फीट रिंग रोड बोलते हैं। तो आप किसी को भी पूछ सकते हैं। तो चल, फोर व्हील के शौकीन है तो यहाँ पे फोर व्हील इनके पास जो स्टॉक है काफ़ी अच्छा स्टॉक है। तो चलिए हम चलते हैं वेलोसिटी कार में, इनके पास जानते हैं क्या क्या वैरायटी है और ये फोर व्हील डील करते हैं। तो चलिए मिलते हैं ताहिर भाई से और उनके पास जानते हैं उनके पास कौन सी रेंज में और कौन से सेगमेंट की इनके पास कार है, तो उनसे खुद ही चल के पूछते हैं। तो चलिए चलते हैं भाई लोग। और फोर व्हील का अगर आपको डील करनी है या फिर आपको सेकंड हैंड या रीसेल में लेनी है, तो ये जगह मैं आपको कहूँगा कि बेस्ट जगह है वेलोसिटी कार्स एंड ऑटो कंसल्टेंट्स। तो यहाँ पे जैसे कि स्टॉक आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और ताहिर भाई जो है टू व्हीलर्स के अंदर भी डील करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्टिवा वगैरह पड़ी हुई है, एक्सेस वगैरह भी है, और उनके पास बाइक्स भी आती रहती है, ऐसा नहीं है। पर वैसे मोस्ट ऑफ इनका डीलिंग रहता है कार्स के अंदर। तो आज मैं आपको दिखाने वाला कौन सा स्टॉक है। तो ये जो सारी गाड़ी आप देख रहे हैं ये भाई के स्टॉक में पड़ी हुई है और काफ़ी अच्छी गाड़ी। तो प्राइस वगैरह के बारे में भी मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं उनसे ही पूछूंगा। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया ताहिर भाई की मैं ऑटो शॉप पर आज की प्राइस के बारे में जानेंगे और सेगमेंट रहते हैं उसकी क्या क्या कॉस्ट रहती है। तो ताहिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल है। मेरे पास में ऑटो डियो बैज बिल्कुल लो बजट में है, उसके अलावा कंपास है, क्रेटा है, न्यू क्रेटा है, अमेज है, आई10 है, इग्निस है, मर्सिडीज है, सब रेंज की गाड़ी है मेरे पास। सर कितने ओनर है और कितना ओल्ड मॉडल है? ये ऑटो डियो फर्स्ट ओनर है, 2012 का मॉडल है, 46,000 किलोमीटर चला हुआ है, पेट्रोल कार है, गाड़ी बहुत अच्छी है। और पेट्रोल कार है और ऑन टेबल नेगोशिएबल हो जाएगा, नेगोशिएबल कस्टमर आता है, नेगोशिएबल हो जाएगा। चलिए दूसरी गाड़ी टायर भाई, ये कौन सा मॉडल है बताइए? क्रेटा 2017 का क्रेटा ऑटोमेटिक SX मॉडल है। ओके, फर्स्ट ओनर है, 70,000 किलोमीटर चला हुआ है, 70 किलोमीटर है, इंश्योरेंस खत्म हो चुका है। अच्छा, इंश्योरेंस खत्म हो चुका है, 70,000 किलोमीटर चली हुई है। और ये सबसे फेवरेट गाड़ी आजकल आपको देखने को मिलती है रोड पर, और ये बहुत ही पॉपुलर गाड़ी है होंडा के अंदर SUV सेगमेंट के अंदर। ये जी कंपास है, फर्स्ट ओनर है, 30,000 किलोमीटर चला हुआ है, तो डीजल ऑटोमेटिक। और ये कितना फर्स्ट ओनर कार है? फर्स्ट ओनर। ओके, तो गाइस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी सारी फर्स्ट ओनर कारें और कार की जो कंडीशन भी देख सकते हैं। और इसके बाद पहले मैं आपको प्राइसिंग बता देता हूँ, ताहिर भाई जिसे प्राइस बता दे जाएंगे, और उसके बाद मैं आपको इंटीरियर भी अंदर आपको दिखाऊँगा इंटीरियर वगैरह कैसे रहते हैं। तो चलिए फोर्थ कार की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्रेटा, वही क्रेटा है पर ब्लैक है, मैनुअल है। ओके, ब्लैक कलर मैनुअल है, फर्स्ट ओनर है, 2019 का गाड़ी है, किलोमीटर 50,000 किलोमीटर चला हुआ है, इंश्योरेंस 30,000 किलोमीटर चला हुआ है और इसका इंश्योरेंस खत्म है। और ये ब्लैक है, तो जिस किसका भी ब्लैक कलर फेवरेट है तो आप यहाँ पे आके डील क्रैक कर सकते हैं। ये 2018-19 का है, 18 का मैन्युफैक्चर है, 19 का रजिस्ट्रेशन है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, होंडा मैच मॉडल है, टॉप मॉडल है, 20,000 किलोमीटर चला हुआ है, जेन्युइन किलोमीटर है, इंश्योरेंस खत्म। अच्छा, तो इसके बारे में ज़रा बता दीजिए। ह्युंडई वर्ना फर्स्ट ओनर, SX ऑप्शनल, फर्स्ट ओनर है, 70,000 किलोमीटर ये भी चला हुआ है, सेकंड ओनर है, बीमा खत्म हो गया है, जेन्युइन किलोमीटर। प्लस पॉइंट ये है आपको यहाँ पे सारी फर्स्ट ओनर कार मिलेगी, सेकंड ओनर गाड़ी मिलेगी। और यहाँ पे आ सकते हैं जीप कंपास, एक और आ गई है, जैसे कि आपने देखी पहले ब्लैक थी और ये हमारे पास जीप वाइट। ये फर्स्ट ओनर 18-19 का गाड़ी है, जीप कंपास,
1.4 लिमिटेड मॉडल पेट्रोल में है कि ऑटोमेटिक, यानी किलोमीटर 22,000 किलोमीटर चला हुआ है, इंश्योरेंस खत्म है। और ये हमने देखा हमारे पास लास्ट में आती एकदम हाई जिसका बजट रहता है, जो लग्जरी के शौकीन है, तो हमारे पास है मर्सिडीज भी है ताहिर भाई के पास। ताहिर भाई बताइए इसके बारे में। 2011 का मर्सिडीज बेंज है E350, 6 सिलेंडर आता है इसके अंदर, डीजल है, सेकंड ओनर है, 70,000 किलोमीटर जेन्युइन चला हुआ है, बीमा खत्म हो गया है इसका, बाकी गाड़ी की कंडीशन पैटी कंडीशन। ये दो गाड़ी और भी हमारे पास आई है, ग्रैंड आईटेक, जो कि बहुत ही कॉमन गाड़ी है, हर रोड पे आपको देखने को मिली जाएगी। ताहिर भाई इसके बारे में बताइए इसके क्या। 2014 का पेट्रोल फर्स्ट ओनर है, आस्टा मॉडल है, ऑटोमेटिक है, 2014 का है, जेन्युइन किलोमीटर है, 46,000 किलोमीटर चला हुआ है। चलिए चलते हैं, हमारे पास ये इग्निस है क्या? और ये हमारे पास आ चुकी है इग्निस, जो मारुति नेक्सा की तरफ से इग्निस कार, जो कि कॉम्पैक्ट कार में आती है। तो ताहिर भाई बताएंगे इसकी डिटेल्स के बारे में। 2018 का फर्स्ट ओनर है, डेल्टा मॉडल है, ट्रैजिक मॉडल है, ये चली हुई 30,000 किलोमीटर पेट्रोल है, फर्स्ट ओनर और इंश्योरेंस का। इसकी आस्किंग प्राइस कितनी है? ये अपनों ने अपनी प्राइस रखी है इसकी 4.5 लाख। ओके, 4.5 लाख इसमें नेगोशिएबल हो जाएगा, इसमें नेगोशिएट हो जाएगा। सब गाड़ियों में ऑलरेडी करेक्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको ले सकते हैं। जिसकी जो भी कॉम्पैक्ट कार पसंद है या छोटी गाड़ी लेना चाहते हैं, ये दो सेगमेंट में भी हमारे पास कार है, ग्रैंड आईटेक भी है और इग्निस गाड़ी भी है, तो उसमें भी आप डील क्रैक कर सकते हैं।